कुमार यादव। भैया कैसे ये घटना हुई है? घटना ये एनएच वालों की लापरवाही से हुई है सर। बेतरबी से गाड़ी चला के किनारे हमारे चाचा जी खड़े थे, उनको एक्सीडेंट कर दिया और डबल नंबर गाड़ी में है और यहाँ के एसडीएम इंस्पेक्टर सब प्रशासन एनएच का साथ दे रही है सर। हम लोगों की कोई बात नहीं सुन रही है। हम लोग जाम करना चाह रहे थे, हम लोगों के साथ अभद्रता पुलिस कर रही है, कुछ मानने को तैयार नहीं है। हम लोग जा रहे हैं एनएच के अधिकारी आकर हम लोगों को उचित मुआवजा दें, उनके परिवार वालों को सही से वो करें, हम ये चाहते हैं, मगर ये हमारी बातें सुनी नहीं जा रही। अभी एसडीएम आए थे, उनसे बात हुई होगी आपकी, क्या कहे? एसडीएम महोदय ने कहा है, आश्वासन दिया है, मगर वैसे आश्वासन से क्या मतलब, कल चले जाएंगे थाने पे, कौन आश्वासन सुनेगा? फिलहाल अभी क्या होने जा रहा है? अभी इंस्पेक्टर साहब और एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि कल के लिए देखिए, कुछ करने के लिए बोले हैं, आज कर रहे हैं, अभी बुला रहे हैं एनएच वालों को, 15 से 20 लाख मुआवजा की हम लोग मांग किए हैं सर जी। देखिए एनएच वालों, हाँ, बाल बच्चे लड़के हैं, गरीब आदमी हैं बेचारे साहब, हम लोग प्रयास कर रहे हैं यही किया जाए, कुछ किया ना जाए सर। पप्पू यादव नाम का एक आदमी है जो कि उल्टी दिशा में इस तरफ जा रहा था, बिहारा साइड में, उधर से एक डंपर आ रहा था, उसके अंदर चोट लग गई उसको, उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। तत्काल बड़ी चोट पाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, जो भी संभव सहायता होगी सरकार की तरफ से उसको तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी। सर डंपर में दो नंबर दिख रहे हैं, एक राजस्थान का है, एक यूपी 70 लिखा हुआ है, क्या कहेंगे? ऐसा जानकारी में आया है कि जो ट्रक थे या डंपर है वो राजस्थान का पहले था, यूपी में टैक्स में परिवर्तन होता है, उसका टैक्स भर के उसने यहाँ का सही नंबर लिया है। तो फिलहाल परिवार वालों उसका क्या बात है? बाकी की जानकारी हम लोग करने की कोशिश करें, पुलिस प्रशासन अपनी कोशिश कर रहा है कि अगर ऐसा दो नंबर से ट्रक चल रहा था तो उस पर जो भी कार्रवाई होगी प्रशासन द्वारा की जाएगी। थैंक यू।